लगा कि आपने कहा आप एक महिला के लिए। वो 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 बार्नबी की है क्या? हाँ, वो यॉर्कर्स में रहती है और उसने कहा कि उसके लिए कुछ भी ठीक ठाक सा ले लें। $1 से कम में। पागल हो बार्नबी, कीमत की हमें कोई चिंता नहीं। ओह, ये मेरी असिस्टेंट है मिस मिनी फे, मिस्टर हैकल, मिस्टर टकर। आफ्टरनून मिस फे। आफ्टरनून मिस फे। माफ कीजिए मिस्टर हैकल, आपने यॉर्कर्स कहा। जी मिस मलॉय, हम यॉर्कर्स से हैं। जी हाँ, और ये कहने के लिए माफी चाहूंगा लेकिन आपको यॉर्कर्स जरूर देखना चाहिए मिस मलॉय। बल्कि यूं कहिए कि आपको और आपके उनको दोनों को साथ आकर देखना चाहिए। कुछ लोगों का कहना है कि संसार का सबसे खूबसूरत नगर है वो। ऐसा कहते हैं लोग। सुना तो मैंने भी है लेकिन मैं अकेली हूँ और मेरा यहाँ कोई वो नहीं है। ओह, खैर अगर कभी रविवार की शाम आप खाली हो तो। आप कैथोलिक है ना? कोई फर्क नहीं, मैं बदल सकता हूँ। अगर कभी आपके पास वक्त हो तो मैं आपको यॉर्कर्स दिखाना चाहूंगा ऊपर से नीचे तक। ऐतिहासिक शहर है। हो सकता है मेरा वहाँ जल्दी ही आना। इसी रविवार को? जी हाँ, मेरे एक मित्र हैं जो यॉर्कर्स में रहते हैं, शायद आप उन्हें जानते हो। मैं? वैसे आप भला क्यों जानेंगे उन्हें, मिस्टर वैंडरगेल्डर नाम है उनका। मिस्टर वैंडरगेल्डर? होरेस वैंडरगेल्डर, जिनकी वैंडरगेल्डर्स हेयर एंड फीट की दुकान है। जी हाँ, आप उन्हें जानते हैं? नहीं। वैसे वो मुझसे मिलने आज दोपहर यहाँ आ रहे हैं। यहाँ रहे आज दोपहर? कॉर्नेलियस, कॉर्नेलियस, देखो फंस गए बेटा, बच के। हम आपको बाद में समझाएंगे, अभी हमारी मदद कीजिए। वहाँ से इसी वक्त बाहर निकलिए। हमारा कोई कसूर नहीं है मिस मलॉय। मिस्टर हैकल, मिस्टर टकर, आप दोनों इसी वक्त वहाँ से बाहर निकलिए नहीं तो मुझे पुलिस। मिस्टर वैंडरगेल्डर, आइए, कितनी खुशी हुई आपको देखकर। कभी हम आपको कभी अपनी दुकान को देखते हैं। और डॉली लिवाई, इतने दिनों बाद। आइरीन डार्लिंग, कितनी अच्छी लग रही हो तुम, ऐसा लगता है कोई तुम्हें मिल गया है। आफ्टरनून मिस मलॉय। आपके आने से पूरा न्यूयॉर्क खिल उठता है। हाँ, आज ऊपर यॉर्कर्स में तो खिजा छा गई है। हमने सोचा हम कुछ देर तुमसे आकर मिल ले आईरीन। अगर आपको असुविधा ना हो तो। असुविधा भला किस लिए? मिस्टर वैंडरगेल्डर को लगा शायद उन्हें दुकान में तो ग्राहक दिखाई दिए तो मर्द। महिलाओं की हैट्स की दुकान में। आइए मैं अंदर आपको अपनी वर्कशॉप दिखाती हूँ। दो बार देख चुका हूँ। मुझे आपसे सलाह लेनी है। मिस्टर वैंडरगेल्डर से सलाह सारे शहर को सुननी चाहिए, जो सुनेगा उसकी किस्मत चमक जाएगी। सलाह तो सस्ते में मिलती है, कीमत तो उस चीज की होती है जो प्यार से किसी को भेंट दी जाए। फिर सत्य कहा आपने, कितना हसीन अंदाज है आपके बात कहने का। थैंक यू मिस्टर वैंडरगेल्डर। चॉकलेट सिरप में भिगोई मूंगफलियां छिलकों समेत। हम इन्हें अंदर क्यों ना खोले? मैं आज यहाँ आया हूँ ताकि मैं आपसे कुछ जरूरी बात कर सकूँ। मिसेस लिवाय, आप कह रही थी कि आपको कहीं जाना है। मेरी चिंता ना कीजिए, मैं बस इन्हें निहार रही हूँ। जरूरी बात मिस्टर वैंडरगेल्डर, आपके व्यवसाय के बारे में। नहीं, यॉर्कर्स में हैट्स की दुकान खोलना चाहते हैं, सुना है बहुत ही सुंदर ऐतिहासिक शहर है। हाँ, आगे कहिए, आपको यॉर्कर्स के बारे में कौन बता रहा है, पूछ सकता हूँ? कोई नहीं, सिर्फ एक दोस्त। कैसा दोस्त? वही का रहने वाला है। वाला? जी हाँ। उसका नाम मिस मलॉय? क्या उसका नाम? अगर मुझे ठीक से याद है तो नाम है मिस्टर कॉर्नेलियस हैकल। कॉर्नेलियस हैकल? जी हाँ, आप उसे जानते हैं? वो मेरा हेड क्लर्क है। सच्ची? 10 साल से मेरे पास है, तुम उसे कैसे जानोगे? यूं ही कहीं इत्तफाकन मुलाकात हो गई होगी। इत्तफाकन? कॉर्नेलियस हैकल को कोई हक नहीं है किसी से इत्तफाकन मिलने का। कहाँ हुई थी मुलाकात? मिस्टर वैंडरगेल्डर, आप मुझसे ऐसे सवाल क्यों कर रहे हैं? चलो अब सच उगल ही देते हैं, आपका हेड क्लर्क कोई मामूली इंसान नहीं है, काफी हैसियत है उसकी। बकवास। बहुत आना जाना है उसका यहाँ, जगह जगह जान पहचान है, बहुत लोकप्रिय है, सब उसे जानते हैं। उसका कहीं आना जाना नहीं है, वो दिन भर मेरी दुकान में काम करता है और रात को भूसे वाले कमरे में सोने चला जाता है। ऐसा मानना है आपका, लेकिन वो सच नहीं। टॉली लिवाय, तुम धोखा खा रही हो। आपका सर हमेशा बही खातों में डूबा रहता है, आपको पता ही नहीं कि क्या हो रहा है। दिन में कॉर्नेलियस आपका शरीफ वफादार क्लर्क है, रात में रात आने पर दोहरी जिंदगी जीता है बस। कभी वो ऑपरा में होता है तो कभी टॉप रेस्टोरेंट में या फिर रईसों के घर में। हफ्ते में 3 बार हारमोनिया गार्डन भी जाता है। सच तो ये है मिस्टर वैंडरगेल्डर कि वो न्यूयॉर्क का सबसे आकर्षक, मनमोहक, दिलकश, लोकप्रिय, प्रसिद्ध इंसान है, द ग्रेट कॉर्नेलियस हैकल। कोई और होगा, अगर मुझे पता चला कि कॉर्नेलियस हैकल न्यूयॉर्क आता जाता है तो बर्खास्त कर दूंगा उसे। वैसे उसके पास ये सब करने के लिए पैसा कहाँ से आया? बहुत अमीर है वो। अमीर? हाँ,
उसका पैसा मैं अपनी तिजोरी में रखता हूँ। $113.50 है उसके नाम। कितनी तकलीफ हो रही है मुझे ये सुनकर। वो हैकल परिवार से है। हैकल परिवार से? हाँ, जिन्होंने राउटन कनाल बनाई है। तो फिर वो मेरे यहाँ काम क्यों करता है? बताती हूँ, उसका भी एक कारण है। नहीं सुनना मुझे, मेरे सिर में दर्द हो रहा है। वो कोई और आदमी है। कॉर्नेलियस हैकल मेरी दुकान के पिछवाड़े सोता है। मैंने हाल ही में उसे चीफ क्लर्क बनाया है। पार्टनर बनाना चाहिए था, लेकिन आप में इतनी अकल कहाँ? आईवी, देख रही हूँ काफी भाग गया है वो तुम्हें। डॉली, ये क्या कह रही हो? अब इतनी जल्दी उससे शादी की मत सोचो। मैं तो उससे सिर्फ एक बार मिली हूँ। दिल ऐसे तोड़ता फिरता है जैसे कच्चे बादाम। कौन? कॉर्नेलियस हैकल। मिस मेलॉय, वो आपको मिलने यहाँ कब से आ रहा है? मिस्टर वैंडरगेल्डर, अगर मैं कहूँ कि वो मुझसे मिलने नहीं आता रहा है। एक्सक्यूज मी, अभी नहीं मिली। गाना बंद करो। एक हाथ में। मजाक मत करो और हमारी बातों के बीच में दखल मत दो। जाओ अंदर जाकर अपना काम पूरा करो। जाओ, काम के बोझ से बेचारी थक गई है। अगर अंदर कोई आदमी है तो उसे भी निकाल दे देते हैं। जो भी हो तुम तो बाहर निकलो। आप जानते भी हैं कि आप क्या कह रहे हैं। बिल्कुल पागल नहीं हूं मैं। इससे पहले कि आप ऐसा भी कदम बढ़ाए या कुछ भी कहे जिससे आपको पछतावा हो। डॉली, मिस मेलॉय। जी हाँ मिस्टर वैंडरगेल्डर, अंदर एक आदमी है। मैंने क्या कहा था? और वो वहाँ कैसे पहुँचा ये मैं समझा भी सकती हूँ, लेकिन अभी के लिए सिर्फ इतना कहूँगी कि तशरीफ लाने के लिए शुक्रिया और अलविदा। एक और, एक और। हे भगवान, यहाँ तो यत्र तत्र सर्वत्र आदमी छिपे बैठे हैं। मिस मेलॉय, मैं आगे से आपको कभी तकलीफ नहीं दूंगा और आपसे भी यही उम्मीद रखूंगा। हॉरेस, कहाँ जा रहे हो? परेड में हिस्सा लेने। उन लोगों के साथ जिन पर मैं भरोसा कर सकता हूं। 700 मर्द। आप मिस विनीफे से मिल चुकी हैं? मेरी दुकान से निकलो, नहीं तो अभी ऑफिसर को गाड़ी को बुलाती हूँ। आई ही कारागार भी कोई जगह है इन बच्चों को भेजने की? एक साथ मत बोलो। सिर्फ इसलिए कि तुम अमीर हो। इनकार मत करो। इसका ये मतलब नहीं कि तुम्हें इसकी सजा नहीं मिलेगी। और सजा ये है कि तुम आज रात इन दोनों को डिनर पर ले जाओगे। क्यों मिस्टर हैकल? जरूर जरूर, इसी के लिए तो हम यहाँ आए थे। मिनी, अब तक हमने इज्जत की जिंदगी गुजारी है, अब नाम खराब हो ही गया है तो